हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भटूरे बनाना बताऊंगी कि भटूरे कैसे बनाते हैं। एक नई रेसिपी है, आपने भटूरे नरम वाले भटूरे तो हर जगह देखे होंगे, आज मैं आपको कड़क वाले भटूरे बनाना बताऊंगी। देखिए, उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा, और उसमें मैं डाल रही हूँ नमक, मैंने नमक डाल दिया इसमें, और इसमें चाहिए थोड़ा सा घी, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी है वो डालेंगे। इसको एकदम कड़क आटा गूंदना है, टाइट मतलब। इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा आटा मैंने गूंद लिया है। देखिए, तो कड़क रखिएगा, क्योंकि नरम रखोगे तो ये इसके भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे। एकदम कड़क रहोगे तो इसके भटूरे कड़क कड़क बनेंगे। बिल्कुल कड़क आटा होना चाहिए, और आप चलिए इसे बनाते हैं हम भटूरे। देखिए मैं देखो, अब मैं भटूरे बनाने के लिए एक छोटी सी लोई ले लूँगी, इसको मैं इसका पेड़ा बना लूँगी, इसको मैं बेल लूँगी। अब हम इसमें थोड़ा सा चक्की से ऐसे निशान लगा देंगे, छोटी छोटी छोटी। अब मैंने गैस चला दिया है, तेल गरम चला दिया है मैंने। तेल में डाल दूंगी, देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं इस भटूरे को डाल दूंगी। ये
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो ऐसा भी मतलब इस टाइप का वाइट टूथ भी निकाल सकते हो। मैं एक आपको वाइट निकाल के बता देती हूँ, क्योंकि मैं वाइट ज़्यादा रखती नहीं हूँ, मैं इसको थोड़ा सा लाल करके लाल करते हैं, कड़क एकदम। ये भी कड़क ही है पर वाइट है, ये थोड़ा सा नरम है, इसमें थोड़ा सा चाकू से कट के निशान लगा दूंगी। अब मैं इसको भी तेल में डाल दूंगी। ये मेरे बकरा रेड हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने देखिए मेरे भटूरे इस टाइप से होते हैं, ये काफ़ी कुरकुरे कुरकुरे होते हैं। देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि भाई वाइट अगर रखना चाहो तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। ये नरम है, ये ज़्यादा कड़क नहीं है, ये वाला ज़्यादा कड़क है, इससे भी ज़्यादा कड़क कर सकते हैं, वो भी मैं एक बार आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे भटूरे हैं, देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे आवाज़ आती है, इस तरीके से कड़क कड़क बनते हैं। इस तरीके से कड़क बनते हैं ये। आपने नरम भटूरे तो बहुत खाए हैं, ऐसे एक बार ये कड़क भटूरे भी बना के ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं ये छोले की सब्जी के साथ में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।